दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से आपका। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही टेस्टी आटे की इस केक की रेसिपी। एगलेस है, कढ़ाई में बनी है, बहुत ही आसान है। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए एक बाउल में हमने लिया है एक कप दही। दही को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है। इसमें हम डालेंगे एक कप चीनी और इन दोनों को हम बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि चीनी दही के साथ मिलकर गल ना जाए। आप चाहें तो पाउडर शुगर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, एक टी स्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और इनको मिला लेते हैं और 5 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देते हैं। अब 5 मिनट हो चुके हैं, आप देखेंगे कि इसके ऊपर बबल्स आ चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप सनफ्लावर ऑयल, एक टीस्पून हम डालेंगे इसमें वनीला एसेंस जो कि फ्लेवर ऐड करेगा और इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप आटा, 6 छलनी से डालने से आटे में कोई लम्स नहीं रहेगा जब ये दही में मिलेगा और एयर भी निकल जाएगा। इसे हम अच्छे से हाथों से या मशीन से ब्लेंड कर लेंगे या अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ल्यूक वार्म मिल्क यानी दूध। अगर दूध का प्रयोग आपको ज्यादा करना पड़े तो भी आप कर सकते हैं अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से। यहाँ मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है, आपको 1/2 कप से 1 कप के बीच में लग सकता है। तो ये अब रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी में पहुंच चुकी है। तो अब हम कढ़ाई को प्री हीट करेंगे। यहाँ पे बैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट में हम डालेंगे 2 स्पून कोकोआ पाउडर ताकि इसमें चॉकलेट फ्लेवर आ सके। कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है इसलिए इसको थोड़ा रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी में लाने के लिए हमने 2 चम्मच दूध डाला है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम जिस मोल्ड में बनाएंगे उसकी हम ग्रीसिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल से अच्छे से ग्रीसिंग कर ली है। ग्रीसिंग करने से केक आपका बनने के बाद चिपकेगा नहीं। नीचे यहाँ पे मैंने बटर पेपर डाल दिया है, इससे भी केक आपका मोल्ड के साथ चिपकेगा नहीं। बटर पेपर की भी यहाँ पे हम ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि डीमोल्ड करने में केक को बहुत ही आसानी हो। बीच में हम ग्लास रखेंगे ताकि वनीला फ्लेवर का केक और चॉकलेट का दोनों अलग अलग डिवाइड हो सके। बैटर को हम पोर कर देंगे मोल्ड में। इसे टैप कर देते हैं ताकि एयर बबल्स निकल जाए और हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। चॉकलेट साइड को डेकोरेट करने के लिए मैंने यूज किया है चोको चिप्स और वनीला साइड को डेकोरेट करने के लिए मैंने यूज किया है शुगर बॉल्स। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। तो आइए प्री हीटेड कढ़ाई में हम इसे रख देते हैं और इसे ढक्कन से ढककर करीब 40 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे बेक करेंगे। 40 मिनट के बाद आप बीच में टूथपिक डाल के चेक करेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। अगर ये क्लीन आए मतलब हो चुका है, अगर नहीं तो आप इसे फिर से बेक करने के लिए डाल सकते हैं 5 मिनट के लिए कम आंच पर। यहां मेरा केक हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा करने के बाद इसे डीमोल्ड कर रहे हैं। डीमोल्ड करने से पहले आप ध्यान रखें केक बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। तो यहां मैंने डीमोल्ड कर लिया है और मेरा केक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही सॉफ्ट बना है, आटे का केक है, बहुत ही हेल्दी भी है।
तो दोस्तों अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।